हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं अंडे करी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे कि आप झटपट बना सकते हो भी कम तेल मसाले में। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम 6 अंडे लिए हैं, उसको हम बॉईल करके छिलका हटा दिए हैं और एक बड़े साइज का आलू को भी हम बॉईल कर लिए हैं। तो फ्रेंड अंडे में इस तरीके से हम हल्का सा निशान लगा देंगे जिससे कि हमें फ्राई करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड अंडे में हम निशान लगा लिए हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिए हैं और अंडे को हम इस तरीके से डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड हम एक साथ सारे अंडे डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से फ्राई। फ्रेंड अगर आप चाहें तो अंडे को बिना फ्राई किए भी आप बना सकते हैं। अंडे को हमें ऊपर से अच्छे से ब्राउन कर लेना है और अंडे को अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आज हम अंडा करी बनाएंगे, उसमें हम बहुत ही कम तेल मसाला डालेंगे और यहाँ पे आलू को भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड आज की जो मेरी रेसिपी है वो जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मसाला नहीं होता है। तो फ्रेंड उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 मरीच, यहाँ पर 2 हरी इलायची डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्ची डालेंगे और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। 2 हरी मिर्ची को लंबे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। 2 पिंच यहाँ पे हींग डालेंगे और प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो फिर प्याज मेरा अच्छे से ब्राउन हो गया है और यहाँ पे हम 2 छोटे साइज का टमाटर था उसको कट करके ले लिए हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 चम्मच मीट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे कि मसाला लगे नहीं। और यहीं पे हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का कुटा हुआ डाल लेंगे और इसको मिक्स करके फ्रेंड लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और देखिए इस तरीके से एकदम अच्छे से मसाला पक गया है। कलछी की मदद से हम इस तरीके से मसाले को मिक्स कर देंगे जिससे कि टमाटर का बड़े टुकड़ा ना रहे। तो मसाला पक गया है और यहाँ पे हम डाल दिए 1 ग्लास पानी और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी हम और डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगाएं और ढक्कन लगा करके 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद फ्रेंड देखिए पानी और मसाला अच्छे से पक गया है और इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा डाल दिए हैं। तो फ्रेंड जो आलू हम फ्राई करके रखे थे उसको हम हाथ से मैश करके डाल दिए हैं। आप एक बार इस तरीके से अंडे की सब्जी बनाकर देखिए फ्रेंड, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड अगर आपके घर से कोई हॉस्टल में रहता है तो प्लीज़ आप उसके साथ ये रेसिपी शेयर करें। और ये रेसिपी मैं अपने भाई के लिए बनाई क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है। तो फ्रेंड देखिए सब्जी 2 मिनट बाद अच्छे से पक गई है, अब चलिए हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, आपके लिए कम तेल मसाले में बहुत ही टेस्टी सी अंडा करी की रेसिपी तैयार है। तो फ्रेंड अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे